सहना वो सहन भुन स सह वीर कर्वा वह तेजस्विनतमस्त मिषा वह ओ शांति 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 की चार सौ तेरहवीं कक्षा दर्शन के 10वें अध्याय का चौथा पृष्ठ संख्या तीन सौ तिरानवे अधिकरण बाईस शीर्षक है वैश्य स्तो में पृष्ठ स्तोत्र साधनतया विवरथंतर सेयोनौ गाधिकरण तो देखिए ये गान से संबंधित बात की स्तोत्र होते हैं और शस्त्र होते हैं स्तोत्र मतलब शाम का गान करते हैं उसके अंदर और उनमें भी छह सामों की पृष्ठ संज्ञा की गई है पृष्ठ कहलाते हैं हैं तो स्तोत्री वो साम ही हैं तो बृहत रथंतर वैरूप वैराज शाक्वर रईवत ये जो हैं इन छह की पृष्ठ संज्ञा की गई है तो ये गाए जाते हैं रिक के ऊपर योनी जो होती है उनकी जिसके ऊपर गाया जाता है और स्तोत्र को जब विशेष आवृत्ति युक्त किया जाता है तो उसी को स्तोम कहा जाता है विशेष आवृत्ति करके इतनी संख्या में ऐसे ऐसे वो स्तोत्र ही स्तोम कहलाते हैं तो अब ये प्रसंग है वैश्य स्तोम का वैश्य स्तोम अलग प्रकार का वैश्य स्तोम नाम है उसका उसमें उससे संबंधित ये विषय है अब उसमें पृष्ठ स्तोत्र की साधनता के रूप में विहित पृष्ठ ये गान हो गए साम गान हो गए और पृष्ठ स्तोत्र पृष्ठों से संबंधित जो स्तोत्र होता है जिस पर वो गाया जाता है तो स्तोत्र कुछ को पृष्ठ स्तोत्र बोलते हैं तो पृष्ठ स्तोत्र की साधनता के रूप में विहित जो कर्णवरथंतर है कर्णवरथंतर एक साम का प्रकार हो गया रथंतर को ही विशेषित करके कण्व रथंतर ये शाम का प्रकार हो गया तो कण्व रथंतर के का स्वयन गानाधिकरण उसकी अपनी जो योनि रिक है उसी पर उसको गान किया जाएगा इसमें दूसरे विकल्प हैं कि अन्यों की योनि पर ये गाया जाएगा बृहत और रथंतर इसके पह, पहले जो आते हैं तो बृहत और रथंतर पर ये गाया जाएगा एक ये पक्ष ये हो सकते हैं दूसरा है इसके अपनी ऋचा अलग होती है उस पर ही ये गाया जाता है तो सिद्धांत पक्ष क्या है कि कण्व रथंतर से स्वयन गानाधिकरण अपने ही ऋचा ये गाया जाएगा ठीक है तो सूत्र है पूर्व पक्षी का पृष्ठार्थे अन्य रथंतरात्प विराम योनि पूर्वत्वात्प विराम रिचाम प्रविभक्तत्व तो पृष्ठार्थे अन्य रथंतरात अन्यत रथंतरात तो पृष्ठ के लिए ये है और अन्य रथंतर है अन्य मतलब यहाँ पर यह कण्व रथंतर है इसके कारण से तो तद योनि पूर्वत्वात् जो पहले वाली उसकी योनि है तत्पूर्वक ही ये हो गए उसी योनि वाला ये कण्व रथंतर हुए क्यों ऋचाम प्रविभक्तत्वा ऋचाएँ वहाँ अलग अलग कही गई हैं इनके लिए योनि रिक अलग अलग कही गई है ये पूर्व पक्षी लिखा है इसको हम पूर्व पक्षी द्वितीय की तरह से देख लेंगे भाष्य में बीच में कोई एक और बोलेगा जो इसके विपरीत बोलेगा तो या तो इसको पहला मान लीजिए उसको दूसरा मान लीजिए तो एक जना एक पक्ष रखेगा जो पहला पक्ष रखता है तो उसको भी पूर्व पक्षी मानते हुए पूर्व पक्ष का है वो पक्ष उसको पहला मान लिया और यहाँ जो कहा गया है वो भाष्य में दूसरे इस, उस पर आता है तो उसको दूसरा पूर्व पक्षी मान लिया और सिद्धांति तो अलग आएगा ही बाद में तो भूमिका देखिए अस्थि वैश्य स्तोम वैश्य स्तोम होता है उसको आगे इन्होंने कहा वैश्यो वैश्य स्तोमि न यजेता ये दो तैल इसमें करे में उसको एक कर लीजिए वैश्य स्तोम है ये विकृति है अग्निष्टोम प्रकृति है अग्निष्टोम जैसे होता है याग ऐसे वैश्य स्तोम भी याग है उसकी विकृति है अग्निष्टोम प्रकृति और ये विकृति है उसमें पृष्ठ स्त्रोत्र की साधनता के रूप में ये प्रसंग है तो अस्थि में वैश्यो वैश्य तत्र थे। इसी में लीजिए वैश्यो न इति इसी एक वचन अलग मिल रहा है कण्व रथंतरम पृष्ठम भवती इसमें जो पृष्ठ है वो कौन सा हो तो कण्व रथंतर पृष्ठ हो ये विशेष विधि कर दी गई तो अब यहाँ पर कहते हैं उभय विकार है कण्व रथंतरम इतुक्तम पहले ये बात कही जा चुकी है सिद्धांत से आगे एक सूत्र दिया उसके आधार पर कि कर्णवरथंतर है ये उभय का विकार हो गए दोनों का विकार हुए दोनों का मतलब है बृहत और रथंतर जो छह पृष्ठ हैं उनमें पहले जो दो हैं बृहत और रथंतर उन दो पृष्ठों का ये कर्ण रथंतर विकार हो गए तो उभय विकार है कर्ण रथंतरम इत्युक्तम कहा गया था ये कहाँ निष्कर्ष निकाला तो आगे सूत्र दिया है इति तो ये सूत्र है पीछे दो, पर आ चुका है तो अप्राकृते जो अप्राकृत हो जो प्रकृति में नहीं हो यह है कर्ण रथंतर के लिए ये तद्विकारात उनका विकार होने से उनका मतलब दोनों का वृहत और रथंतर का विकार होने से विरोधात व्यवतिष्ठेरन वहाँ प्रसंग ये था कि बृहत और रथंतर के धर्म कणव रथंतर में आए या ना आए और उसमें से बृहत के धर्म कण्व रथंतर में आए अथवा रथंतर के धर्म कण्व रथंतर में आए ये वहाँ पर पक्ष विपक्ष बना करके सिद्धांति का मत था कि दोनों के आए कण्व रथंतर प्रकृति में नहीं था वहाँ पर बृहत्त और रथंतर था और उन दोनों के धर्म आएंगे और उन दोनों के धर्म जो अविरुद्ध हैं परस्पर वो आएंगे बृहत रथंतर के जो धर्म परस्पर विरुद्ध हैं वो नहीं आएंगे ये वहां का निष्कर्ष था तो उसके आधार पर ये कह रहा है कि उभय विकार है कर्ण रथंतर्म इत्युत्तम आपने ये वहां कहा था कि कर्व रथंतर दोनों का विकार है उसका दोनों का विकार है तभी तो उसके धर्म उन दोनों के धर्म वृहत और रथंतर के कर्ण रथंतर में आ रहे थे तो ये पुष्टि कर रहा है उसके आधार पर कि उसका विकार है तो ऐसे ही मानना चाहिए तो इसमें जो रिक है तो उसका विकार है अब आगे कह रहे हैं तत्र संशय किम रथंतर योनौ बृहत योनौ व अनियमेन कण्व रथंतरम गेयम कण्वरथंतर जो ये पृष्ठ है साम है आ, साम है कण्वरथंतर इसको किस पे गाना चाहिए तो कहा या तो रथंतर योनि में गाएं रथंतर साम की जो योनि है जो रिक है उस पर अथवा बृहत् की जो योनि है उसमें अनियमेना अनियम रूप से गाएं चाहे तो उसमें कर ले चाहे तो इसमें कर ले कोई सी भी रिक ले ले दोनों दोनों में से ये पहला पक्ष है ये उतर रथंतर योनऊ ये दूसरा पक्ष है दूसरा है कि रथंतर योनि में ही गाया जाए बृहत में नहीं क्योंकि यहाँ पर ये भी रथंतर ही है कणव रथंतर कहते हुए भी रथंतर को ही कहा जा रहा है वो विशेषित कर दिया गया है इसलिए रथंतर की योनी होनी चाहिए दूसरा पक्ष है अथवा स्व स्वयनऊ इति अथवा अपनी ही इसकी ऋचा है ना तो बृहत्त की ना रथंतर की इसकी अपनी है स्व योनि तीसरा पक्ष है जो कि सिद्धांति का पक्ष है ये तीन पक्ष बने तो इसमें जो ये रथंतर योनि वाला है तो उसमें आगे कहते हैं एवं प्राप्ते ब्रूमा इसमें अब ये कहते हैं सूत्र वाली बात कही जा रही है पृष्ठार्थे अन्य रथंतरात तद योनि स्यात्रिचां प्रभि ये जो सूत्र है तो ये पूर्व पक्षी द्वितीय बोल रहा है एवं प्राप्त ब्रूमा पृष्ठार्थे यदत अन्यत रथंतरा कण्वरथंत्र श्रूये थे जो पृष्ठ के लिए जो ये अन्य रथंतर रथंतर से भिन्न यानी कण्वरथंतर यहाँ पर सुना जा रहा है तद रथंतर योनो से तो रथंत योनी वाला होना चाहिए अब जो ऊपर तीन पक्ष दिए थे कि रथंतर योनो बृहद योनो अनियमेन कण्वरथंतरम गेयम ये पहला पक्ष था और दूसरा था रथंतर योनो यति इसलिए जो पिछला सूत्र आया इसको द्वितीय पूर्व पक्षी मान करके मैं कथन कर रहा था तो ये दूसरे ने कहा कि तत तत्थर योनौ स्यात् क्यों बोले ज्योतिषम पूर्व को ही वैश्य स्तोम वैश्यस्तोम ज्योतिषोम पूर्वक होता है यानी ज्योतिष्टोम प्रकृति है और वैश्य स्तोम विकृति है ज्योतिष्टो में रथंतर योनौ पृष्ठम कृतम ज्योतिष्टोम में क्या किया था रथंतर योनि में पृष्ठ को किया था तो अब इसमें पूर्व पक्षी प्रथम बोल रहा है क्योंकि उसका खंडन हो रहा है इसमें तो पूर्व पक्षी कथम बोला ननु बृहद योनो पी तत्र कृतम वहां तो बृहद योनि में भी किया गया था तत्र मतलब ज्योतिषो में क्योंकि तो वहां दोनों बृहद और रथंतर रथंतर दोनों थे इसने केवल रथंतर को ही गिना वहां तो बृहद बृहद भी था ननु योनो तत्र कृतम तो पूर्व पक्षी द्वितीय कह रहा है नैवम क्यों नहीं क्योंकि ऋचाम प्रविभक्त ऋचाओं के प्रविभक्त अलग अलग होने से इस सूत्र का भाग है जिसको आगे खोल रहे हैं ऋचाम प्रविभागा यह गम्यते थे यहाँ पर ऋचाओं का प्रविभाग अलग अलग जाना जाता है कैसे यथा रथंतर योनिर्भवति जिस प्रकार से रथंतर की योनि होती है जिससे कि रथंतर की योनि होती है कुतः रथंतर रथंतर्शब्द श्रूयते रथंतर में ये रथंतर शब्द है तेन गम्य रथंतर्विशेष कण्वरथंतरमि ये रथंतर्विशेष ही है तो इसलिए उसी का विभाग करके अलग लेना चाहिए तेन गम्यते रथंतर्वशेष कण्वरथंत्र अर्थांतरे रथंतर शब्दों भवेद यदि रथंतर धर्म न भवेयु हो अगर यहां पर रथंतर के धर्म न होते तो अर्थांतर में कणव रथंतर शब्द माना जा सकता था यानी कणव रथंतर में रथंतर के धर्म रथंतर के धर्म आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि ये रथंतर विशेष प्रकार का रथंतर है यदि रथंतर के धर्म कणव रथंतर में नहीं आ रहे होते तो कह सकते थे कि कणव रथंतर एक स्वतंत्र है वो रथंतर का विशेष प्रकार का रथंतर नहीं है तो स्वतंत्र कोई शब्द है ऐसा यदि धर्म नहीं आ रहे होते तो तो क्या अर्थांतर एक कणव रथंतरम शब्द हो भवे कण्व रथंतर शब्द किसी और अर्थ को बताने वाला हो जाता कब यदि अर्थांतर यदि रथंतर धर्माना भवे हो इसमें रथंतर धर्म नहीं होते तो अभी तो आ रहे इसलिए ये अर्थांतर नहीं है ये उसी को कहने वाला है तेषु सत्सु युपवत् उपपद्यते तेषु सत्सु मतलब रथंतर के धर्मों के होने पर किसमें कर्ण रथंतर में जब चूंकि उसमें आ रहे हैं तो कैसे समझना चाहिए युप के समान समझना चाहिए अल यूप का नाम यद्यपि युप नहीं है तो भी युप जैसा है उसके धर्म आ रहे हैं तो इसको युप कहलाता है उसके लिए उदाहरण दे रहे के समान हो जाएगा यथा औदुम्बरो युपो भवती थी। ये विपरीत अल्पिराम में औदम्बर युप होता है पीछे आ चुका है न ही यूप द्रव्यम प्रकृतो संकीर्तितम अब यहाँ जब औदम्बर यूप कहा गया तो इसको यूप क्यों कहा गया प्रश्न ये हो रहा है क्योंकि इसने कहा कि जो यूप के द्रव्य हैं प्रकृति में बताए गए हैं कि यूप किससे बनता है उसमें उदुम्बर तो पढ़ा ही नहीं गया तो अब जो उदम्बर से बना है उसको यूप कह ही नहीं सकते आप प्रकृति के अनुसार तो द्रव्य ही नहीं है वो तो न ही उदम्बरों युप द्रव्यम प्रकृतो संकीर्तितम लेकिन फिर भी इसको औदम्बर को भी यूप क्यों कहा गया उधमपुर से निर्मित को भी यूप क्यों कहा गया तो उसके कहा धर्म निमित्त तस्तु एयम शब्द उपपत्ते थे चूंकि धर्म निमित्त वाला वो यूप के धर्म यहाँ पर भी आते हैं इसलिए इसको यूप कह दिया गया एवं यहाँ पर धर्मनिमित्ता कण्व रथन्तर ए रथंतर शब्दों भवती नान्यथा तो यहाँ भी कर्णवरथंतर में जो रथंत धर्म रथंतर के धर्म चूंकि आ रहे हैं इसलिए कण्व रथंतर भी रथंतर शब्द से कहा जा सकता है इसलिए रथंतर शब्द आया है यहाँ पर नान्यथा चौवालिसवा सूत्र इस सिद्धांति का है जो कि तीसरा पक्ष था इति जो पक्ष था तो स्वयन वर्वाख्यवाद अपनी योनि रिक में ही इसको गाना चाहिए क्योंकि सर्व आक, सब सारा मिला करके आख्या होने से व रथंतर मिलकर के पूरा एक विशेष नाम होता है इसलिए इसका अलग ही होना चाहिए स्वयनवा सर्वाख्यवाद न चेतद अस्थि रथंतर योनौ गियेत स्वयो ये सिद्धांत पक्षों गया कुतः हेतु है सर्वाख्यत्वात इसी को खोल रहे हैं आगे सर्वाख्यत्वाद सूत्र का अंश है खोल रहे हैं सर्व विशेषण विशिष्ट से ही रथंतर शब्दों वाचक जो रथंतर शब्द है वो सब विशेषणों से विशिष्ट का वाचक हो जाएगा जब विशेषण नहीं लाएंगे तो वो शब्द उस शब्द के साथ जुड़ने वाले सभी का वाचक हो जाएगा जैसे काली गाय सफेद गाय लाल गाय ये जब हम विशेषण युक्त तो बोल रहे हैं तब तब तो उन उन गायों का बोध होगा लेकिन जब केवल गाय शब्द बोलेंगे तो उसमें सब विशेषणों से विशिष्ट गायें अंतर्भावित हैं वहाँ विशेषित है, मतलब छांट नहीं सकते उसमें अलग नहीं कर सकते तो ये जो रथंतर है तो रथंतर में कणव रथंतर भी आता तो है तो कहते हैं सर्व विशेषण विशिष्ट से ही रथंतर शब्दों वाचक है और उसमें क्या क्या चीजें हैं जब रतंतर शब्द है तो उसके जो जो भी विस्तार है गान के अंदर होते हैं वो सब आगे गिना रहे हैं पहले भी आ चुके हैं कि प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार उपद्रव निधन वतः सर्वस्व स्तोभ सारे के सारे स्तोभ स्तोभ जो होता है वो भी स्तोत्र की जब आवृत्ति होती है तो स्तोम होते हैं और विशेष प्रकार का होता है उसको स्तोभ नाम दे दिया जाता है तो सर्वस्व स्तोभ स्वर का हाँ स स्वर काला काल अभ्यास से। तो स्तोभ के सहित स्वर काल के अभ्यास वाला कर्ण रथंतरम इति आख्या भाव ये सब मिला के आख्या होती है तो इसको थोड़ा दूसरे ढंग से लीजिए कि ये जो कर्णव रथंतर है इसमें इसके जितने भी विशेषण है वो सब मिला करके केवल कुछ ही भाग नहीं होता है तस्मात्निपि अस्य विशेषणम तस्मात योनि रपि विशेषणम तो योनि का मतलब है वो रिक जो है वो भी इसका विशेषण बनेगी यानी जब हम रथंतर शब्द बोलेंगे तो रथंतर शब्द में उससे संबंधित सारी चीजें आती हैं तो जैसे प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार उपद्रव निधन ये जो सारी चीजें आ रही हैं उसके साथ साथ योनि रिक भी उसके विशेषण से युक्त होती है जब कोई एक शब्द आ रहा है तो उससे संबंधित सारे विशेषण उसके अंतर्गत आ जाएंगे हाथी शब्द बोलेंगे तो हाथी के जितने भी विशेषण है वो सारे जुड़ करके वो हाथी कहलाएगा तस्मात योनि अस्य विशेषण योनि जो है वो भी इसका यानी शब्द का विशेषण बनेगा अपिचा अर्थांतरे और ये इसको अर्थांतर में मानेंगे तो कण्वं कण्वरथंतरे रथंतर शब्द कल्प्यात अगर आप इसको अर्थांतर करेंगे तो कण्व अर्थांतर का मतलब ही है अर्थांतर में तो रथंतर शब्द कण्वरथंतरे कल्प्यासात रथंतर शब्द कण्वरथंतर में कल्पित करना पड़ेगा तस्मात्वनौ गेये आपको उसमें कल्पित करना पड़ेगा वास्तव में नहीं आ रहा है तो ये तो ये मान रहा है कि रथंतर शब्द विशेष प्रकार की इन इन चीज़ों का वाचक है और कणव रथंतर शब्द अन्यों का वाचक है तो उसकी रिक भी अलग होगी रथंतर की रिक अलग है रथंतर की योनी अलग है तो कण्व रथंतर की योनि भी अलग होगी यहाँ विशेषण वाला जो ऊपर का था सर्व विशेषण विशिष्ट से रथंतर शब्दों वाचक उसका वो वाला अर्थ नहीं लें जो काली पीली गाय होती है तो गाय के गुण सारे आ जाएंगे उसमें लेकिन सारे विशेषण उस तरह से यह नहीं कह रहे हैं कि जब भी कोई शब्द बोला जाएगा किसी वस्तु का तो उसके सारे विशेषण उसमें अंतर्भावित होंगे उतने तक है बस तो उसमें ये योनि रिक को भी इसके विशेषण के रूप में ही कह रहे हैं ये भी होना चाहिए और जब हम कहें कि गाड़ी कहें तो गाड़ी में उसमें पहियों में हवा भी तो होनी चाहिए उसके सहित हम उसकी गाड़ी संजा करते हैं अब हवा निकली हुई है तभी गाड़ी शब्द तो बोलेंगे लेकिन वो अधूरा कहलाएगा जितनी चीज़ें उसमें होती हैं जिसके जिसके जितने अवयव हैं वो सब मिला करके पूरी संज्ञा कहलाएगी और जब एक भाग नहीं हो और फिर भी हम उसको गाड़ी बोलते हैं तो वो <laughs> हाँ यूँ भी बोल देते हैं, ये गाड़ी है क्या इसके तो पहिए ही नहीं है इसमें तो हवा ही नहीं है इसमें जाएंगे क्या उतने अंश में गौण रूप से हम उसको बोल देते हैं लेकिन वास्तव में सारे अंग मिला करके उसको पूरे के पूरे को कहा जाएगा तो वो मतलब है यहाँ पर सर्व विशेषण विशिष्ट से ही रथंत्र शब्दों वाचिका तो लेकिन यदि हम अर्थांतर करते हैं एक कण्व रथंतर में शब्द अगर इसका प्रयोग करते हैं तो रथंत्र शब्द वहाँ पर उसके अर्थ को कल्पित करना पड़ेगा जो कि ठीक नहीं है तस्मात यमिति इस पर पूर्व पक्षी वही द्वितीय कहता है से तो इति चेत जो उदाहरण पहले आया था यूप के समान कि इति चेत पश्यसी स्वयनो गेयम रथंतर शब्दस्तन उपपद्यते अपनी योनि में होगा तो ही रथंतर शब्द संगत होता है सही रथंतर धर्मेशु सु युपवत इति तो रथ ये जो है रथंतर है रथंतर के धर्मों के होने से युग के समान ये भी संगत हो जाता है वो किया जा सकता है वो पिछले जो बात कही थी उसको सूत्र में यहाँ पर कहा है इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है छियालीसवाँ सूत्र न कर्म संयोग ये यहाँ नहीं घटेगा क्योंकि ये वो जो वहाँ पर है यहाँ नहीं घटेगा वहाँ जो यूप में घटा है वो तो कर्म के संयोग के कारण से आपने घटा है यहाँ ऐसा नहीं है नहीं तत्तव कर्म संयोगात काष्ठ से यूप था वो जो औदम्बर यूप कहा चूंकि उसका उस कर्म के साथ में संयोग है इसलिए उसकी यूपता थी उस काष्ठ की औदम्बर काष्ठ की तो कर्म संयोगात काष्ट से युप था नहीं लोके यूप इति कश्चित वृक्षो अस्ति लोक में यूप नाम का कोई वृक्ष है नहीं तथ ये संस्कार तत्र ये संस्कार ऐसा यूप है जहाँ वो संस्कार होते हैं उसी को यूप कहा जाता है तस्मात औदुम्बरो यूप यूपती इति संस्कार निमित्ता ये संस्कार निमित्तक शब्द है जो औदुम्बर यूप अब इसको औदुम्बरो यूपो हम यू कहें अलग वृक्ष है तो यहाँ विशेषण विशेष्य में यूप विशेष्य है और औदुम्बर विशेषण है तो ऐसा कोई उदुम्बर नाम का उदुम्बर से संबंधित कोई यूप होता हो ऐसा तो है नहीं वृक्ष विशेष तो है नहीं तो यूप को यूप क्यों कह रहे हैं वो संस्कार के कारण से कह रहे हैं इसलिए संस्कार निमित्तक ये शब्द है यह पुनः एवं विशेषण विशिष्ट कर्णव रथंतर शब्दों लोक के अस्थि लेकिन यहाँ पर इन सब विशेषणों से युक्त कर्णव रथंतर शब्द तो लोक में भी प्रचलित है जैसे रथंतर ऐसे कर्णव रथंतर ओदुम्बर यूप नाम का की कोई चीज लोक में प्रसिद्ध नहीं है वो तो शास्त्र में संस्कार के कारण से उसको औदुंबर यूप कहा जा रहा है लेकिन कण्वरथंतर तो स्वतंत्र रूप से लोक में प्रसिद्ध हैं नासो कण्वा रथंतरम कण्व रथंतरम कृत् उच्यते इसकी ऐसी अनवर संजानी है कि कण्वों का जो रथंतर है कण्व व्यक्ति विशेष गोत्र या उस वर्ग विशेष का तो कण्वाना रथंतरम कण्वरथंत्रम कृपा उच्यते ऐसे ये प्रसिद्ध नहीं है लोक के अंदर रथंतरत्व कण्व संबंधे वा, और अगर आप इसमें रथंतरत्व को जोड़ रहे हैं और साथ में कण्वत्व भी कणों के साथ संबंध करेंगे तो व्य विधि ही माने वाक्य वाक्यभेद प्रसज्जते रथंतरत्व और कण संबंध रथंतरत्व का विधान है और उसका कणों से संबंध है तो वाक्य भेद हो जाएगा दो दो चीज़ों का विधान करना पड़ेगा तस्मात साम्बिज्यायी का कण्व रथंतर शब्द ये जो कण्व रथंतर शब्द है ये संजय शब्द है रूढ़ी शब्द है इसको कणवों का रथंतर रथंतर ऐसे नहीं कह सकते तो, तो संजय शब्द है ये बिल्कुल अलग है अतएव स्वयनो गीय गीयते इसकी योनि भी अपनी अलग है उसी में इसको गाया जाएगा बृहत और रथंतर की योनि नहीं ली जाएंगी ये सिद्धांत पक्ष हो गया अगला अधिकरण तेईसवा इसी विषय में थोड़ा और आगे विषय को उठाया है वैश्य स्तो में पृष्ठ स्त्रोत्र साधनतया विहित से से स्वयोन्युत्तर प्रसंग वही है वैश्य में उसमें पृष्ठ स्तोत्र के साधन के रूप में विहित जो कण्व रथ है वो स्व में गाया जाएगा ये पीछे दे लिया देख लिया लेकिन स्व में कौन सी योनि कौन सी ली जाएगी इस पे यहाँ पर प्रश्न है कि स्व योनि उत्तरयोर गानाधिकरण बाद की जो दो चाहे उन पर ये गाया जाएगा कर्णवरतंत्र से स्व उसकी अपनी जो योनि रिक है उसमें बाद वाली दो पे गाया जाएगा पहली को छोड़ करके बाद की दो पर गाया जाएगा ये तो सिद्धांत पक्ष हुआ पूर्व पक्ष जो बनेंगे वो भी बताएंगे और सैतालीसवां सूत्र पूर्व पक्षी का है कार्यत्वाद उत्तरयोर यथा प्रकृति ही इसके कर्ण रथंतर के कार्य होने से तो प्रकृति तो बृहत और रथंतर है और कर्ण रथंतर चूंकि कार्य है तो कार्य होने से उत्तरयोर उसके बाद के जो दो हैं उन पे गाया जाएगा यथा प्रकृति प्रकृति जैसा कि में है तो नहीं नहीं सिद्धांति का पक्ष नहीं है स्वयोनि में नहीं है ये, ये स्वयोनि उनका कार्य है लेकिन उन्हीं की बृहत और रथंतर की बाद की दो योनियों में गाया जाएगा अभी देखो इसमें कणव रथन उत्तरे एवं संशय उस कण्व रथंतर में ही ये संशय है कि उत्तर गायती थी इसको विपरीत अल्परा में लीजिए ये वचन मिल रहा है तो किम रथंतर उत्तर बृहत योन्युत्तर वा गेयम स्वयन्युतरि तो ये कह रहे हैं कि क्या रथंतरयो... र... रथंतर रथंतर्योन्युत्तर रथंतर की योनि के जो है उसमें बाद के दो का गाया जाएगा अथवा बृहत योन्योत्तर बृहत योनि जो है उसमें बाद के दो से गाया जाएगा उत अथवा सौ योन्योत्तर उसकी अपनी जो योनि है उसमें बाद के दो से गाया जाएगा क्योंकि वहाँ केवल उत्तर गायती इतना लिखा हुआ है तो किम प्राप्त हम पूर्व पक्षी कह रहा है बृहत योन्युत्तर वा रथंतर योन्युत्तर वेति रथंतर यो रथंतर योन्युत्तर यो कर लीजिए इसको तो बोले बृहत योनि के बाद बृहद की जो योनी है उसमें बाद वाले दो का या रथंतर की जो योनि है उसमें बाद के दो वाले का पूर्व पक्ष हुआ कतः हेतु तो क्या है चोतकानुग्रहा अतिदेश वचन जो है वो उसका अनुग्रह होगा वो संगत होगा न तत्र ईश दोषो भवती क्योंकि उसमें ये दोष नहीं होता है योनि विशिष्टम शी जोड़ लीजिए इसमें तालब्य स्वोनि विशिष्ट कण्वरथंत्री उत्तर य्यम तयोनिरवश्यम हातव्या उत्तर य्यम देखिए इसमें पीछे से फिर से देखिए न दोषो भवती ये पूर्व पक्ष कह रहा है कि मेरे पक्ष में ये दोष नहीं आएगा क्या स्वयोनि विशिष्टम कण्व रथंतर क्योंकि यहां अपनी योनि से विशिष्ट कण्व रथंतर होगा कण्व रथंतर अपनी योनि से विशिष्ट होगा अगर उत्तरयोर ही कार्यम यदि स्वयोनि से बाद वाली दो से दो से गाया जाए अपनी योनि से बाद वाली योनियों से अगर गाया जाए उत्तर यो ही कार्यम तथा स्वयोनि अवश्यम हातव्या भवती तो उसकी जो अपनी योनि है है तो उसी की योनि के बाद वाला लेकिन उसकी अपनी योनी यानी प्रथम मंत्र जो है वो छोड़ना पड़ेगा देखिए पिछले मैं इस में इसमें इन्होंने कहा था कि अपनी योनि में गाना चाहिए कर्णवरथ अंतर अब कणव को यदि उसकी अपनी ही उससे बाद की दो योनियों में गाया जाता है दो ऋचाओं में गाया जाता है तो उसकी पहली ऋचा छूटती है ठीक है तो अपनी योनि में नहीं गाया गया वो इस रूप में कह रहे हो कहाँ पह, पहले मंत्र में कहाँ गाया गया अरे छूट गया हाँ, तो कह रहे कि के, न तत्र ईश्वर दोषो बहुति स्व योनी विशिष्टम कण्व अगर यूं कहेंगे देखो उत्तर ही उत्तर गायती तो बृहत् के बाद में और रथंतर के ये दो हो गई इनके बाद में गाता है बृहत्त के बाद वाली में गाता है रथंतर के बाद वाली में गाता है तो वो कौन सी होगी वो कण्व रथंतर की योनी आ जाएगी दो के बाद में गाता है का मतलब क्या हुआ बृहद की योनी के बाद में और रथंतर की दो की योनि हो गई ना इनके बाद में गाता है तो क्या आएगी कण्व रथंतर की योनी आएगी तो तब तो स्वयोनी में गा रहा है इसलिए वहाँ दोष नहीं बन रहा है लेकिन यदि आप स्वयोनि से ही लेकर के और शुरू के एक को छोड़ करके बाद वाले दो लोगे तो उसमें पहले वाला छूट जाएगा न तत्र ऐसे दोषो बहुति स्वयोनि विशिष्टम कर्णवरथंतरमी कण्वरथंतर है अपनी योनि स्वयोनि से विशिष्ट है पिछले अधिकरण से उत्तर ही कार्यम स्वयोनि से बाद वाले में जो कार्य होगा तत्र स्वयोनि रवश्यम हातव्य भावती अपनी योनि उसकी अवश्य छोड़नी पड़ेगी तस्मात प्रकरणम अपेक्षितव्यमती तो यहाँ पर प्रकरण की अपेक्षा करनी चाहिए कि उत्तर का मतलब है बृहत और रथंतर जो पहले वाले थे उसके बाद वाला क्योंकि उनका प्रकरण है प्रसंग है प्रकृति में है वो तो उसके बाद का होना चाहिए रुको अभी अड़तालीसवां सूत्र है समान देवतेवा त्रिचस्य अभिभागात दूसरा ये कह रहे हैं कि समान देवतेवा चूंकि इनमें देवता समान होते हैं जो त्रिच शब्द का प्रयोग है त्रिचस्य अविभागात त्रिच शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें समान देवता होता है तो नचेतद अस्थि बृहत योन्योत्तरयो रथंतर रथंतर रथंतर्योन्युत्तर ओर गेयमति बृहत के बाद में और रथंतर योनि के बाद में गाना चाहिए ठीक नहीं किम तरी सवयोन्युत्तर अपनी योनि के बाद में ही गाना चाहिए कता त्रिच शब्दात खोल रहे हैं त्रिच शब्दा को समान छंदसी समान देवता के चविशेषित तृच शब्दों तो समान छंद होने चाहिए और समान देवता होने चाहिए ऐसे में अविशेषित तृच शब्दों अविशेषित त्रिच, त्रिच शब्द जो है वो अविशेषित होता है इसमें अलग इसमें अलग ऐसा नहीं होता है। बस त्रिच बोला तो बस वो समान ही आता है तो इसको यूं कर सकते हैं अविशेषित शब्दों समान, समान देवता के भवती अविशेषित जो त्रिच शब्द है अकेला त्रिच शब्द जो आया है वो समान छंद और समान देवता वाले में ही प्रयोग होता है अतः श्रुत्या चोद को योनियोत्तर गेयम तो श्रुति से जो तक बाधित होगा अतिदेश से जो प्राप्त हो रहा है वो बाधित होगा तो अपनी योनि के ही बाद के दो को मैं ये इसको कर्ण रथंत्र को गाएगा है तो अपना ही ना है तो अपना ही और अगर वो दूसरे ढंग से अगर गाता है मान लो इसको यूं तो कह लीजिए कि इस तरह भी देखो आप पर उसमें भी दोष ये आता है कि वो भी छूट ही रहा है क्योंकि स्वयोनि में तो गाना ही है पर वो जब मानेंगे स्वयोनी मतलब बृहत और रथंतर ही उसकी स्वयोनी है क्योंकि प्रकृति से प्राप्त है तो यदि बृहत के बाद के दोनों में गाता है रथंतर के बाद में दो में गाता है ऐसा अगर मान के चलते हैं तो उसमें क्या छंद और देवता अलग अलग हो जाएंगे कणव के जो अपने हैं वो नहीं रह करके उसके दूसरे आएंगे तो उससे ये हटा रहा है यहाँ पर इसमें कहा न तत्र दोषो भवती स्वयोनि विशिष्टम कण्व ये दोष नहीं होता है कि कर्णवरथंतर जो है स्वयोनि से विशिष्ट होता है इसको दोष के रूप में कह रहे हैं हाँ कुछ ही आचार्य ओम आचार्य जी इसमें जो कण्व है और जो रथंतर है उन दोनों के भी परस्पर छंदों में भेद रहता है नहीं हाँ अलग अलग रहेगा ना रिक उनकी योनि अलग अलग हो सकती है अब हालांकि ये विचार नहीं है देखो नीचे क्या लिखा है इन्होंने टिप्पणी में टुप्पी पर का के नीचे प्राप्त होती थी अतः कण्व रथंतर सामना स्वयनौ एव गान सिद्धांतों भाष्यकृत व्याख्यान रीत्या इति आशय ये टुपटिका की बात को कह रहे हैं इसमें टुक्टिका में ऊपर लिखा है ना भाष्यकारे ने यदिदम व्याख्यातम कृतम प्रस्तावो गीताद कण्वरथ अंतर शब्द यदि तद अयुक्त गीतिशुसाम की ये इन्होंने खंडन भी कर रखा है तो इसके शीर्षक की दृष्टि से यही बनेगा कि वैश्य स्तो में पृष्ठ स्तोत्र की साधनता के रूप में विहित जो कणवरथंतर था वो अपनी योनी में ही बात के दो मंत्रों पे गाया जाएगा दूसरों पे नहीं गाया जाएगा ये कह रहे हैं ठीक है, बनती है तो। हाँ पूर्व पक्षी का देखिए फिर देख लीजिए किम प्राप्त तो बृहत योन उत्तर इसको अलग अलग ही देखिए तो ज्यादा ठीक है कि बृहद की जो योनि है तो तीन है तीन मंत्र होंगे उसमें बृहत उत्तर है और उसमें बाद वाली दो में गाया जाएगा की वो प्रकृति से प्राप्त है इसलिए अथवा रथंतर योन्युत्तरय और अथवा रथंतर के जो तीन है उसमें बाद वाली दो पे गाया जाएगा गाना तो दो में है क्योंकि उत्तराई और गायती थी बाद वाली दो में गाता है तो बृहत की बाद वाली दो में गाता है या रथंतर की बाद वाली योनि में बाद वाली दो में गाता है ये हो गया हाँ हाँ ऐसा किसी में भी तो क्योंकि प्रकृति में वो दोनों हैं और अतिदेश से ये यह यहां पर भी प्राप्त हो रहा है लेकिन ये कह रहा है कि अतिदेश को तो ये बाधित कर लेगा क्योंकि श्रुति से श्रुति जो कह रही है उत्तर और गायती चूंकि ये स्वयोनी में गाया जाता है स्वयोनी में होता है निश्चित है तो ये इसकी अपनी में ही बाद वाली दो में गाया जाएगा तो सिद्धांत पक्ष तो अवगम्य पूर्व पक्षी कथम एवं तथा

सिद्धांति तो ने पूछा था कुतः ये तीन सौ पिचानवे में सैंतालीसवें सूत्र के भाष्य की तीसरी पंक्ति देख रहा हूं कुतः तो इसमें कहा न चौदक अनुग्रहत् चोदक का अनुग्रह हो होगा चोदक क्या है प्रकृतिगत विकृति कर्तव्य तो प्रकृति की जो योनि है वो यहाँ पर प्राप्त दिखा रहा है पूर्व पक्ष ये अस्पष्ट तो मतलब असंगत तो बोल ही रहा है उसी को ये चोदक का अनुग्रह होने से यही हेतु प्रस्तुत कर रहा है और तो कुछ कहा नहीं न तत्र इशे दोषो भवति स्वयोनी विशिष्टं कणवर इति स्वयोनी विशिष्टं प्रमाणकना दोषमस्ति वाक्य पूर्व पक्षिना में दोष नहीं ये तो पूर्व पक्ष ही कह रहा है कि मेरे में ये दोष नहीं है जीषा दोषो ऐसा इति वा न तत्र इशे दोषो भवति जैसे कि आगे का ना तो उत्तर ही यत कार्यम तयनिट अवश्य हाथव्य तो उत्तर ही यत कार्यम ये दोष दिखा रहा है पहले मैं तो ऐसा ही समझाऊं कि पहली वाली पंक्ति में तो ये बता रहा है कि मेरे पक्ष में ये दोष नहीं है और दूसरी पंक्ति में बता रहा है कि आप वाले में ये दोष है उत्तर ओर ही कार्यम तत्र स्वयन अवश्यम ये पूर्व पक्षी अपने में दोष थोड़ा बताएगा ने है? कि आ, क्योंकि अगर पूर्व पक्षी उत्तर बृहद योनि के उत्तर में अथवा रथंतर योनि के उत्तर में अगर गाता है हाँ तो ऐसी स्थिति में चूंकि या तो कण्व रथंतर है तो स्वयोनि विशिष्ट कण्व रथं, रथंतर है तो उसमें ये दोष आ रहा था पूर्व पक्षी के मत में कि अपने आ, अपने के अपने योनि के उत्तर को छोड़ करके दूसरे योनि के उत्तर में गा रहा है तो ऐसा हाँ। पूर्व सिद्धांति दोष दे सकता था उसको तो उसके लिए कह रहा है कि उत्तरयोर ही यद कार्यम तत्र स्वयोनिर भी स्वयोनि अवश्य महातव्य भवती अगर हम अपने ही अथंतर के ही योनि में गाएंगे तब भी हमें उसको तो छोड़ना ही पड़ता है इसलिए प्रक्... मेरे पक्ष में भी स्वयोनि तो हान तो हो रहा है तो हो रहा है हो रहा है कोई बात नहीं है का न नीशा दोषो बहुत हाँ अगर कोई इसमें दोष कहे कि स्वयोनि विशिष्टम कणवरथंत्री कणवरथंत्र तो स्वयोनि विशिष्ट है तो पूर्व पक्षी के मत में स्वयोनि विशिष्ट है नहीं है स्वयोनि विशिष्ट होना चाहिए मतलब तो तो सिद्धांती कह सकता है उसको कि ये स्वयोनि विशिष्ट होना चाहिए आपका तो स्वयोनि विशिष्ट नहीं होगा जबकि स्वयोनि का पहले कहा तो वो ये उल्टा उस पर कह रहा है कि उत्तरे और ही कार्यम अपने वाली में दो से कहेंगे वहां पर भी तो योनी अवश्य हातव्य होती है मैं भी छोड़ रहा हूं सो को तो आप भी छोड़ रहे सो तो हो तो ही रही है ना हाँ नहीं ये है तो ये कह रहा है नहीं इस प्रकरण के लेने से वो दोष आना नहीं चाहिए वो दोष आना नहीं तस्मात प्रकरणम अपेक्षित प्रकृतिवत प्रकरणा चाहिए तो जब प्रकृतिवत करेंगे तो वो अब हान तो, के, होने के, होने को तो वहाँ पर भी होगा ही ना दो में ही गायेगा अगर तो यदि प्रकृति से रथंतर को लेकर क्या रहे तो भी एक एक तो छोड़ना ही पड़ेगा वहां पर चौदह तो हो जाएगा इतना इतना बात हो जाएगा और आप वाले में प्रकरण का अनुग्रह नहीं होगा और बाकी अपने को मतलब तो सौ को छोड़ने का दोष तो नहीं <laughs> यदि भी ये कोई बलवान नहीं है इसका हेतु दुर्बल है लेकिन कह रहा है वो ऐसा कह रहा है लिफा कर रहा है हाँ इसको फिर से देखिए बृहद यौन्युत्तर योर वतंत्र यौन्युत्तर वाह ये कुत है चोदकानुग्रह चोदक का अनुग्रह ही करना है इसको वो लेना है न तत्रा दोषो भवती स्वयोनि विशिष्टम कण्वरथंतरम इति कण्वरथंतर अपनी योनि से विशिष्ट होता है ये वाला दोष आप मेरे में नहीं दे सकते क्योंकि आप में भी उत्तर ओर ही यत कार्यम तथा अवश्यम हातव्य बहुत ठीक है इस तरह संगति लगती है तो कर सकते हैं इसको थोड़ा जोड़ तोड़ तो करना ही पड़ रहा है इसमें न तत्र दोषो बहुत स्वयोनि विशिष्टम कण्वरथंतरम इति स्वयोनि विशिष्टम कर्णव रथ अंतर अपने आप में तो दोष है नहीं लेकिन स्वयोनि विशिष्ट कर्णव रथंतर होता है इसमें कोई दोष नहीं आ रहा है ऐसे दे लेना पड़ेगा सौ योनि विशिष्ट कर्णव रथंतर ये तो सीधा ही पिछले अधिकरण से इससे संबंधित कोई दोष मेरे में नहीं आता क्योंकि छोड़ने का दोष तो आप में भी है वो तो छूट तो ही रहा है आगे देखिए आगे अग्निस्टुत शस्त्र मंत्राणाम प्राकृतिक आगे एक है उसके अंदर स्तोत्र और शस्त्र के जो मंत्र हैं गान वाले और बिना गान वाले जो मंत्र हैं उनके उनका जो प्राकृत है प्रकृति में जो हैं उनमें अविकार रूप में उनका प्रयोग करना है विकृति में उसमें परिवर्तन नहीं करना है वह नहीं करनी है ये सिद्धांत का पक्ष है सीधे सिद्धांतिका का सूत्र है ग्रहाम देवतान् स्तुत शस्त्रो कर्मत्वाद अविकार तो ग्रहों के भिन्न देवता वाला होने पर पात्र ग्रह पात्रों के भिन्न देवता वाला होने पर भी स्तुत और शस्त्रों के कर्म होने से कर्म मतलब प्रधान कर्म होने से अविकार है साथ इसमें विकार नहीं होगा यानी ग्रहों के अनुसार स्तोत्र तो तो शास्त्र में विकार नहीं होगा क्योंकि वो प्रधान कर्म है और ग्रह है जो गुण कर्म है गुण है तो उसके उसमें बदलाव होने से यहाँ बदलाव नहीं होगा यथावत रहेगा तो अस्ति अस्थि एकाह अग्निष्ठुत एकाह है तथा तो शूयते में आग्नेया ग्रह बवंती ग्रह जो है वो अग्नेय होते हैं आगनी देवता वाले तत्व संदेह कि प्रकृतो स्त्रोत्र शस्त्रो देवतम ऊह उत अविकार हैती तो स्त्रोत्र शस्त्र में यथा देवत ऊह करना चाहिए यानी विकृति में जो जो देवता है उसके अनुसार बदल देना चाहिए उत अविकार अथवा तो जैसा का वैसा हो ऊह बुद्धि व्यावर्तयितुम इधम अभिधीयते तो ऊह करने वाली जो बुद्धि है कि वह करना चाहिए उस बुद्धि को हटाने के लिए ये कथन किया जा रहा है कि मन में बैठ गया नहीं नहीं यहाँ तो वो होना चाहिए होना चाहिए ये जो बुद्धि बन गई है उस बुद्धि को हटाने के लिए ये तो होना ही चाहिए इसके बिना नहीं होगा वह बुद्धि व्यावर्तमी तम अभिधीये थे, तो भी भी थे। अब आगे जो लिखा वो सूत्री है वो सूत्र ही है ग्रहाम देवतान्तुत शस्त्रो कर्मत्वाद अविकार तो सूत्र में जो कर्मत्वाद लिखा है कर्मत्वाद अविकार्या कर्मत्वाद को आगे खोल रहे हैं ये प्रधान कर्मत्वादी कर्म मतलब प्रधान कर्म होने से इस पर पूर्व पक्षी कहता है कस्य पुनरेशा बुद्धि बुद्धि होगी किसकी आप इस बुद्धि को वह बुद्धि को हटाने के लिए ये कर रहे हो लेकिन बुद्धि होगी कि किसकी ऐसा सोचेगा कौन किसी की सोच को हटाने के लिए बोल रहे हो लेकिन ऐसा सोचेगा कौन कौन ऐसा सोच सकता है ये पूछ रहे हैं। कि कस्य पुनर्षा बुद्धि संबंधी जो बुद्धि है वो किसकी होगी के बाद में पूर्ण विराम हटा लीजिए यम निवर्त जिसको हटाए अध्याय जिसको सूत्र के द्वारा हटाना चाह रहे हो वो ऐसी बुद्धि किसकी हो सकती है तो सिद्धांत कह रहा है यो मंदधीर मन्यते अभिधानम से जो मंद बुद्धि वाला ये मानता है कि इससे उचित कथन हो जाएगा उचित का अध्ययन करेंगे अभिधानम से अभिधान प्राप्त होगा उचित अभिदान प्राप्त हो जाएगा वि देवता के अनुसार बोल रहे हैं तो उचित अनु हो गया अभिदान कथन नहीं तो गड़बड़ होगा तो जहां गड़बड़ नहीं होगी जो ये सोचता है कि गड़बड़ नहीं होगी वह करने से उसकी ऐसी बुद्धि होगी जो मंद धिर मन्यते अभिदानम सित्यति तो आगे कहते हैं मंद धियाम अपि चोपदेश कृयमान फलवान भवति तो मतलब कम बुद्धि वालों के लिए भी जो किया गया उपदेश है वो भी फलवान होता है क्योंकि कोई बात कही तो वो कहें कि ये भी कोई कहने की बात है क्या व्यर्थ में बोल रहे हो तो बोले नहीं जिनकी कम बुद्धि है उनके लिए बोल रहे हैं तो इसलिए वो बोलना सार्थक हो जाता है औरों के लिए बोल रहा हूं मंद दिया में पीछे उपदेश है क्रियामाण है फलवान ही तो पुराने भी शिविरार्थी हो और नए भी शिविरार्थी हो अब कुछ बोल रहे हैं पुराने आपत्ति करने लगे जी ये तो वही वही बात बोल रहे तो वही तो व्यर्थ है कुछ नहीं वो नहीं देखो वो ये नए भी बैठे हैं यही कहते हैं उत्तर हम उनके लिए हम बोल रहे हैं तो उस रूप में बोलना सार्थक हो गया कुछ के लिए नहीं हुआ लेकिन कुछ के लिए हुआ तो वो सार्थक ही माना जाएगा और आगे कहते हैं अपिचय कंचित अपेक्ष सर्वे मंद वैसे तो सभी बंद बुद्धि वाले होते हैं <laughs> किसी की अपेक्षा करके एक तो किसी व्यक्ति विशेष की अपेक्षा करके मंद होते होते और किसी विषय विशे विशेष की अपेक्षा से मंद होते हैं उस वो जानता ही नहीं है तो उस विषय में वो मंदी है वैसे बली बुद्धि अच्छी है इस विषय में तो कुछ नहीं है अथ तो न परितोष एवं तो, तो अन्यथा वर्णित लेकिन इससे संतुष्ट नहीं हुए इस वर्णन से तो अब दूसरी तरीके से वर्णन कर रहे हैं दूसरी बार वर्णन का मतलब ये होता है कि उससे पहले वाले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है लेकिन किसी किसी को पहला वाला उत्तर ही अच्छा लगता है नहीं ये पहले वाला ठीक है दूसरा हम पता है हमारे को पहले वाले में गड़बड़ है उसके लिए दूसरा दे रहे हैं पर उनको वो प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं रहा बोले नहीं ये पहले वाला उत्तर ठीक है हम तो वही मानेंगे तो चलो आपको उसमें संतुष्टि है आप उसको मान लो जब आपको उस पर प्रश्न खड़ा होगा तो जो दूसरा वाला उत्तर है तब उसको मान लेना अथ तो न परिषा एवं तत्व अन्यथा वर्णित यद वृत्तम अधिकरण द्वितीय अध्याय दूसरे अध्याय में पहले आ चुका है ये दो एक पांच, पांच अधिकरण है सूत्र तेरा से उनतीस तक तो ये जो पहले अधिकरण द्वितीय अध्याय में हो चुका है पूरा हो चुका है तस्य एकदम प्रयोजन सूत्रम ये सूत्र जो है यानी ऊपर जो लिखा है ये उसके प्रयोजन को बताने के लिए अधिकरण वहाँ किया था निर्णय वहाँ किया था उसका प्रयोजन क्या होगा व्यवहार में क्या था? वो यहाँ पर बताया जा रहा है ऐसा कह रहे हैं तस्तम प्रयोजन सूत्रम वो क्या सूत्र है यही है ग्रहा स्तुत शस्त्र यो श जोड़ लेना स्तुत शस्त्रो कर्मत्वाद अभिकार है सियादिति ये सूत्र जो का तू दे दिया है पूर्व पक्ष ही कह रहा है यदि संस्कार कर्मणि स्तोत्र शस्त्र किम भवती प्रयोजनम अगर ये स्त्रोत्र और शस्त्र है ये संस्कार कर्म है तो इसका क्या प्रयोजन होगा सिद्धांत कह रहा है अग्निष्ठुत दे दे, यथा देवतम देवता तो अग्निष्ठुत एकाह में जो देवता है यानी भिन्न देवता है तो वहां पर ऊह करना चाहिए यदि इसको संस्कार मानेंगे तो यहाँ पर ऊह करना चाहिए अथा प्रधान कर्मणि अगर इन दोनों को प्रधान कर्म मानेंगे स्त्रोत्र तो तो और शस्त्र को पीछे पूर्व पक्षी ने भी उदाहरण दिया था ना कि जैसे स्तोत्र और शस्त्र पूर्व पक्षी था सिद्धांत था स्तोत्र शस्त्र जैसे प्रधान कर्म है सूत्र में आया था ना उसने फिर स्तोत्र और शस्त्र कल ही तो था शस्त्रवत छचालीसवा अनवाहेति तीचा शस्त्रवत कर्म ये शस्त्र के समान हो जाए प्रधान कर्मणी उनचालीसवें सूत्र पूर्व पक्षी ने कहा था तो वो तो उदाहरण दे रहा है उदाहरण तो ठीक ही है कि स्तोत्र और शस्त्र प्रधान कर्म माने जाते हैं संस्कार कर्म नहीं माने जाते पूर्व पक्षी ने वहां अपने पक्ष के लिए उद्धृत किया था यह सिद्धांति कह रहा है तो अथ प्रधान हाँ अथ प्रधान कर्म नहीं अगर ये प्रधान कर्म है तथो ग्रहाणाम देवतान्या स्तुत शस्त्र कर्मत्वाद अविकार है सगर ये प्रधान कर्म है तो यहाँ पर ग्रहों में भिन्न देवता होने पर भी स्तुत और शस्त्र जो है इनके कर्म होने से इसमें अविकार होवे स्वतंत्र कर्म है वो इसलिए चासेषु अनुयाजी देवता प्रकाशनार्थम प्राकृत आवाहन मंत्र से अविकारेण तो चतुर्मास में चतुर्मा में से संबंधित उसमें जो अनुयाजीय देवता है उसके प्रकाशन के लिए प्रकट करने के लिए प्राकृत आवाहन मंत्र का आवाहन मंत्र तो आवाहन करने के लिए जो बोला जाता है भाष्य में आएगा तो प्रकृति में जो है तो प्राकृत आवाहन मंत्र से अभिकार है वह प्रयोग अधिकरण उसको अविकार रूप में ही प्रयोग करना चाहिए जबकि यहाँ पर अनुयाजी देवता का प्रकाशन करना है वो देवता भिन्न है लेकिन फिर भी जो आवाहन है वो प्रकृति में जो था वही का वही किया जाएगा बदल करके नहीं किया जाएगा सामान्यतः क्या होना चाहिए बदल के होना चाहिए वह होना चाहिए देवता बदल गया तो लेकिन यहाँ बदलने की आवश्यकता नहीं है नहीं बदला जाएगा पचासवां सूत्र है पूर्व पक्षी का है प्रथम उभय पा पिछदा जे दधना स उपलक्षण अल्प विराम निगमेश पातव्य से उपलक्षण दोनों का पान होने से पृषद राज्य में चूंकि घृत और दधि दोनों होते हैं उसमें दोनों का पान होता है आहुति भी देते हैं तो पान भी उसी का ही करते हैं जिसकी आहुति देते हैं उसी का पान करते हैं तो भय पान दोनों का पान करने से प्रषद राज्य पृषद राज्य में दतनाश्यात उपलक्षण दधि का भी उपलक्षण होना चाहिए जब पृषद राज्य होगा तो दधि भी होना चाहिए प्रकृति में आज्य है तो यहाँ पर दधि भी होना चाहिए क्योंकि पृष्दाज्य है निगम निगमेशु पातव्य से उपलक्षणत्वा क्योंकि निगम में पातव्य पातव्य जो पीने योग्य है उसका उपलक्षण किया जाता है तो प्रकृति में आज्य का कहा जो कि उसको पिया जाता है तो यहाँ पर विशदाज्य है तो उसमें दधी भी है इसलिए दधी का भी होना चाहिए भाष्य संति चातुर्मास यानी चतुर्मास याग होते हैं उसको बता रहे हैं विपरीत विरा में चातुर्माश से ही, ही स्वर्ग का काम हो यजेता इति बंद कर लीजिए तो स्वर्ग की कामना करने वाला चातुर्माश्य से यजन करें तत्र अनुयाजान प्रकृत्य समाह मनंती अनुयाज का वहाँ प्रकरण चल रहा था इसी में और वहाँ ये वचन मिलता है विपरीत अल्पिरा में पृषदाज्यन अनुयाजान यजती थी अनुयाजों को पृषदाज्य से करता है अब कहते हैं प्रक अस्तित्व प्रकृत आवाहनम प्रकृति में ये आवाहन मिलता है क्या आवाहन है विपरीत अल्परा देवान आज्यपान आवह बोलते हैं आवाहन करने के लिए तो क्या देवान आज्यपान आवह यहाँ आज्यपान आज्य को पीने वाले तो ये पातव्य है आज्य पातव्य है यहाँ पर तदिह चोदकन प्राप्तम प्रकृति से यहाँ पर भी प्राप्त हो रहा है तत्र संशय है किम अविकारेण आवाहनम कर्तव्यम या अविकार रूप में यानी आज्यपान आज्य यही बोलते हुए देवान आज्यपान आवह तो देवान तो ठीक है आज्यपान में विकार ऊ करें या ना करें ये बात है तो किम अभिकारे न आवाहनम कर्तव्यम झुका पड़े पढ़े दे तो प्रसिद्धाज्य लेकिन वहाँ आज्यपान ही बोलेंगे किम अभिकारे न आवाहनम कर्तव्यम उत नही थी अथवा उहु करनी चाहिए और यदा ओहे उहे ना और जब ऊ करेंगे तो क्या हो जाएगा तदा किम तो उसमें पहला है आज्यपान इति कर्तव्यम विपरीत अल्पना मिलीजिए तो मतलब आज्यपान और दधिपान ये दोनों जोड़ने पड़ेंगे हम इति कर्तव्य ये पहला पक्ष है उतर दूसरा दधिपानीति अथवा दधिपान करो अथवा और तीसरा है पृषदाज्य पृषिदाज्यपानीति तो एक में तो आज्यपान और दधिपान दोनों को बोल रहे हैं दूसरे के अंदर दधिपान केवल बोल रहा है और तीसरा पक्ष है पृषदाज्यपान क्योंकि प्रसिद्धाज्य है उसका नाम आ जाएगा और चौथा पक्ष एक है कि आज्यपान जो कि सिद्धांति का पक्ष है यहां लिखा नहीं इन्होंने क्योंकि प्रकृति में आज्यपान लिखा है तो विकृति में भी आज्यपान है प्रकृति के समान ही होगा ये जो अविकार रूप में वह होगा जो शीर्षक में कहा गया तो अविकार का पक्ष कौन सा बनेगा आज्यपान ही जब बोला जाए तो ये चौथा पक्ष है सिद्धांति का किम प्राप्तम तो पूर्व पक्षी प्रथम बोल रहा है दत्ना दत्नो दत्नोपि उपलक्षणम रत्न अभी उपलक्षणम सियात आज्य तो पहला पक्ष जो था आज्यपान और दधिपान दोनों का होना चाहिए अस्मात उभय पाना दोनों का पान किया जाता है तो प्रकृति में आज्य का पान कहा किया गया तो आज्यपान लिख दिया गया या दोनों का है तो दोनों का होना चाहिए उभय पाना उभय ही तत्देवता उद्दिश्य त्यज्य इन दोनों को ही देवता को उद्दिष्ट करके छोड़ा जाता है उसके लिए और यज्त त्यज्य तत्पीयते मंत्रेण उक्तम जिसको छोड़ा जाता है उसी को पिया जाता है यानी वही चीज ये मंत्र से कहा गया है और यच्च पातव्य हम तद उपलक्षित प्रकृत आज्य पानी थी और जो पीना चाहिए उसी को उपलक्षित किया गया यानी शब्द से कहा गया प्रकृति में क्या आज्य पानी थी इसको विपरीत में लीजिए इतना अंश यह आज्यस्य से दधि सर्पेशी श्रूय यहाँ पर आज्य के अर्थ में यानी जिस प्रयोजन के लिए आज्य था उसी प्रयोजन के लिए दही सर्पिशी दही और घृत ये सुने जा रहे हैं तो इसलिए क्या होना चाहिए आ, ये वचन मिलता है ये वचन है आगे ये श्रूयते कह रहे हैं ना सुना जाता है तो वो अब आगे वचन है विपरीत अल्पिना में लीजिए अथ गृहणाति पृष्दाज्यम गृहणा गृहनाति दर्पिश दधिश्च द्वंद्व वै मिथुनम प्रजननम मिथुनम एव एत प्रजननम क्रियते बंद कर लीजिए तो यहाँ पर कहते हैं पृषद्दाज्य को ग्रहण करता है जब प्रषिदाज्य शब्द आ गया उसके बाद भी क्या कहते हैं द्वयम व इधम ये दो चीजें हैं प्रषिदाज्य क्या है सर्पिश्चय दधिश्च तो सर्पी और दधि दोनों को अलग अलग ग्रहण किया गया है प्रषिदाज्य शब्द से और फिर द्वंद्वई मिथुनम प्रजननम दोनों मिलाते हैं वो भी बात कही गई है इसलिए दोनों को लेना चाहिए तुल्यम दध्याज्य उच्चार्यते तो दधि और आज्य दोनों से समान रूप से बोला जाता है तस्मात् उभयम अपनी उपलक्षित अव्यम दधि च इति दोनों को बोलना चाहिए आवाहन में पहला ये पहला पक्ष हुआ इक्यावन सूत्र न वा परार्थत्वात ये सिद्धांति का सूत्र कुतूल वृत्तिकार ने माना है और वैसे ये पूर्व पक्षी द्वितीय का प्रतीत होता है पूर्व पक्षी द्वितीय का मतलब इसमें यह है कि कोई एक मात्र इसमें दो पक्ष बनते हैं जब इसको एक पक्ष में लेते हैं कि केवल आज्य को बोलना चाहिए तो ये सिद्धांति का पक्ष बनेगा कुतुलवृतिकार ने इसको सिद्धांति का मान के कहा है और वैसे प्रतीत होगा इसमें कोई एक ले सकते हैं पिछले में क्या था दोनों को लेना है तो ये आ, वहाँ ये नहीं है लेकिन इसमें देखिए नीचेगे द्वितीय पक्ष तृतीय पक्ष अथवा अच्छा हाँ तो पहला वाला है आज्यपान दधिपान कर्तव्य मतलब समुच्चय हो गया और दूसरे में इति अथवा पान नहीं ये प्रशिदाज्यपान तो तीसरा है ये जो है ना इति उसमें केवल दधि का कह रहा है ये पक्ष आगे आएगा ये पक्ष आगे आएगा इसको अलग मानिए ये अभी तो को भाष्य देखिए उससे स्पष्ट हो जाएगा तो कहते हैं न व परार्थत्वात यज्ञपति क्योंकि ये परार्थ है अपने लिए नहीं है इसलिए यज्ञपति के समान यहाँ होना चाहिए न व एतद्युपलक्षितव्यमिति दधि का उपलक्षित करना चाहिए ये बात ठीक नहीं है पीछे जो कहा गया था ना बोले दधि को उपलक्षित नहीं करना चाहिए कता परार्थत्वात परार्थम ही पातव्यम द्रव्यम पात्रीनाम उपलक्षणम बोले ये जो पातव्य है ये पातव्य द्रव्य पात्रीनाम उपलक्षणम पीने वालों का उपलक्षक है ये द्रव्यों का नहीं है ए? जो पीने वाले हैं उनका देखो ऊपर क्या लिखा था देवान आज्यपान आवह तो आज्यपान आज्यम पिबते ही थी आज्यपा राज्यपान कौन है ये देवताओं को कहा जा रहा है यानी इसका जो अभिदेह है वो देवता है विशेषण है भले ही आज्य को पीते हैं ये ठीक है उसमें बात लेकिन आज्य को नहीं कहा जा रहा है आज्य के पीने को नहीं कहा जा रहा है जो आज्ञे को पीते हैं उनको कहा जा रहा है तो यहाँ पर पीने वाले लक्षित किए जा रहे हैं न कि पातव्य को लक्षित किया जा रहा है पीछे उसका क्या हेतु था जो चीज पी जा रही है वहां आज्य पिया जा रहा था तो यहाँ पर आज्यपान था वहां प्रकृति में और यहाँ पर पृष्दाज्य पिया जा रहा है तो पृषद और मतलब दधी और आज्य दोनों हैं तो जो पातव्य है उसके अनुसार बदलना चाहिए पातव्य को लेके चल रहा था पीछे वाला इसने कहा यहाँ पातव्य तो है ही नहीं जो पीने वाले हैं उनको लक्षित किया जा रहा है वही उन्होंने कहा कि परार्थम ही पातव्यम द्रव्यम ये जो पीने वाला द्रव्य है तो दूसरे के लिए है क्यों नाम उपलक्षणम जो पीने वाले हैं उनको उपलक्षण करने के लिए आज्यपा ये जो आज्यपा शब्द आएगा देवान आज्यपान कहा गया तत्र न चेद उपलक्ष्यते कृतो अर्थ इति न पुनर्द्दनोपलक्षित पीछे तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि आज्यपान और आज्यपान और दधीपान दोनों बोलना चाहिए ये कह रहा है कि दधिपान बोलने की जरूरत नहीं है केवल आज्यपान बोलना चाहिए अब जब ये बोलेंगे केवल आज्यपान बोलना चाहिए तो ये सिद्धांति का पक्ष आएगा क्योंकि सिद्धांति आज्यपान कह रहे हैं लेकिन आगे जो भाष्य के अंत में लिखा है उससे अलग बात आ रही है अभी तक यही है तत्र आज्य चेद उपलक्ष्य थे जब यूं कह दिया आज्यपान अब आज्य पीने वाला खाने वाला उससे लक्षित हो गया वो व्यक्ति दही भी खाता है और घी भी पीता है जब कह दिया कि घी पीने वाले देवता को लाओ तो वो आई गया उपलक्षित हो ही गया वो अब वो दही पीने वाला कहने की क्या जरूरत है नहीं अब किसी ने सफ़ेद चादर पहन रखी है और सफ़ेद कटी वस्त्र भी पहन रखा है दोनों पहन रखे हैं तो या तो यूँ कहें पूरा भी कह सकते हैं कि भाई जिसने सफेद चादर पहन रखी है सफेद वस्त्र पहन रखा है उसको बुलाओ अथवा तो यूँ भी कह सकते हैं कि जिसने सफेद चादर पहन रखी है उनको लेकर के आओ तो जिसको उपलक्षित करना चाह रहे हैं वो तो एक से भी हो गया आज्यपान कहने से भी वो देवता उपलक्षित हो गया तो अब दधिपान कहने की आवश्यकता नहीं है वहां पर एक से लक्षित हो गया बस तो तज्ये न चेत उपलक्ष्य थे आज्य से जहाँ उपलक्षित किया जाता है तो कृतो अर्थ है जब वो प्रयोजन चरितार्थ हो गया है तो न पुनर्धना उपलक्षितव्यम कैसे यज्ञपतिवत यथा विपरीत अल्पना में लीजिए यथा के बाद य इम यज्ञम अवान ये च यज्ञपतिम इति बंद कर लीजिए तो जिन्होंने इस यज्ञ की रक्षा की जिन्होंने यज्ञपति को बढ़ाया तो अब यहाँ पर कह रहे हैं यज्ञपतिर मनुष्याणाम होत्रीण प्रशंसार्थ हो अल्प विराम ये जो यज्ञपति शब्द है ये मनुष्यों की और होताओं की प्रशंसा के लिए यज्ञपति शब्द से किसको कहा जाएगा और यज्ञ का पति है लेकिन किसी मनुष्य को कहा जाएगा या होता को कहा जाएगा तो वो उसकी प्रशंसा के लिए है केवल यज्ञपतिर यानी यज्ञपति शब्द मनुष्याण होत्रीण प्रशंसार्थ हो अल्प विराम न स्वार्थम कीर्त्य थे इतनी अविकारेण प्रयुज्य थे ये अपने अर्थ को वहाँ नहीं बता रहा है इसलिए अविकार रूप में प्रयोग किया जाता है जहाँ जहाँ भी जाएगा वहाँ यज्ञपति शब्द यूं हो रहेगा उसमें वह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो ये दूसरे को कह रहा है, और जिस दूसरे को कह रहा है तो ये यज्ञपति शब्द आता हुआ उनको कह देगा इसमें वह करने की आवश्यकता नहीं है न सर्वान यजमान प्रति आदर कि सब यजमानों के प्रति वहाँ पर आदर मतलब कथन नहीं है सब यजमानों के प्रति आदर नहीं है यदि सब यजमानों के प्रति आदर होता तो यहाँ बहुवचन होता यज्ञपतिम जो है एक वचन है पति में एक वचन है वो कहेंगे जाति में एक वचन है <laughs> तो जाति में एक वचन होता है तो उस यज्ञपति की कोई जो जाति है उन सबका ग्रहण होगा और ये कह रहे हैं कि न सर्वान यजमान प्रति आदर सबके प्रति आदर नहीं किया आदर कब होता है अगर ये उनको भी कह रहा होता तो आदर होता और नहीं कहें तो आदर नहीं होगा नहीं मंच पे और सामने जितने बैठे हैं उन सबके नाम लो तो उनके प्रति आदर है और नहीं लो कथन नहीं करो तो आदर नहीं है उसको अनादर के रूप में लिया जाता है कई जने सामान्य रूप से ले लेते हैं कि और भी जो जो जिन्होंने इसमें सहयोग दिया उन सबका भी जाने अनजाने प्रत्यक्ष परोक्ष जिन ने किया अब बोले सबके नाम तो मैं याद नहीं कर सकता सबके नाम याद नहीं आ रहे कुछ के नाम बोल दिए सबका ये छूट ना जाए दिक्कत क्यों होगी क्योंकि कुछ के नाम ले दिए बोले मेरा तो नाम ही नहीं लिया अब वो अनादर हो गया तो न कहना ये अनादर है कह दो तो आदर हो गया कि हाँ मेरे को संकेतित किया नोटिस किया है मेरे को मैं इनकी नज़र में हूँ बोले मैं तो, तो नज़र में ही नहीं हूँ इनके कुछ इनके मन में, में मेरे प्रति कोई आदर ही नहीं है न सर्मा सर्वान यजमान प्रति आदर रहा एवं यहाँ पी पातव्यम पातुर्णार्थम प्रयोज्य थे इस प्रकार यहाँ भी जो पातव्य है पीने योग्य ये पाता के पीने वाले के लक्षण के लिए संकेत करने के लिए प्रयोग किया गया न स्वार्थम न कि अपने पातव्य द्रव्य के लिए तथा एकेना केक्षित केनचित, लक्षित। केनचित लक्षिता पाता रहा। इति कृत्वा न द्वितीय प्रयोग तो इसमें जिस किसी भी एक के द्वारा पाता लक्षित कर देने पर दूसरा प्रयोग नहीं किया जाएगा अब ये जो पक्ष है ये जो अंत में पंक्ति है इससे क्या लगेगा कि दो में से किसी का भी प्रयोग कर लो तो पाता लो को लक्षित कर देंगे चाहे आज्यपान किए चाहे दधिपान कर लीजिए इस रूप में ये देखेंगे ना तो ये एक अलग पक्ष बनेगा और यदि केवल दधि को हटाने के लिए जैसा ऊपर बोल रहा था दधि को हटा के केवल आज्यपान बोलना चाह रहा है तो ये सिद्धांति का माना जाएगा आगे आवह नस्य आव ये पूर्व पक्षी प्रथम है ये कह रहा है कि दधि का उपलक्षण तो होना ही चाहिए स्यादवा आवाहन से तादर क्योंकि आवाहन जो है वो उसी के लिए है तो स्यादध न उपलक्षणम न यज्ञपति वत् यज्ञपति के समान नहीं आता तो दधि का उपलक्षण करना चाहिए क्यों यज्ञपति शब्दों ही न स्वार्थम उच्चार्यते तो दज्ञपति दध... शब्द में तो ठीक है क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहा है लेकिन ईडा स्तुत्यर्थ है न स उच्चते क्योंकि वहाँ वो इडा की स्तुति के लिए है आवाहनम पुनः स्मरणार्थम आवाहन तो सीधे सीधे उसी के स्मरण के लिए है तत्र पाता स्मर्तव्य पेयम अभी पाता भी स्मर्तव्य और पेय भी स्मर्तव्य दोनों चीजें आवश्यक हैं तो पेय भी आ गया तस्मा चोदका अनुग्रहाय पेयांतर उपलक्षित इसलिए चोदक के अनुग्रह के लिए पेयांतर यानी दधिपान ये भी बोलना चाहिए आज्यपान तो ही है ही प्रकृति में आगे जो तरेपन है उसका सूत्र यहाँ नहीं लिखा है लिख लीजिए न वा संस्कार शब्द न संस्कार शब्द सिद्धांति का सूत्र है बोले नहीं ये ठीक नहीं है कि इसके संस्कार शब्द वाला होने से ये संस्कार संस्कारवाची शब्द हैं न वा दधि उपलक्षित प्रसदाजम शब्द है, दधी जो है इसमें दधि को उपलक्षित नहीं करना चाहिए हेतु दे रहा है संस्कार शब्दों विद्यते आज प्रसदाज्यन अनुयाजन यजती थी यहाँ पर राज्य का संस्कार शब्द है राज्य में परिवर्तन कर रहा है क्या पृष्दाज्य कहते हुए प्रषदाज्य ने चित्रेण इत्यर्थ तो पृषदाज्य में जो पृषद शब्द है वो चित्र को बता चित्र विचित्र को बताता है रंग बिरंगा चितकबरा तो उसमें घी में मतलब दही और उसमें घी भी हो नीचे घी हो बीच में दही हो तो दही के टुकड़े टुकड़े अलग अलग दिखेंगे तो उस रूप में वो चित्र हो पाए सफेद भी है और घी जैसे रंग का भी है इसलिए तो अब जब प्रषदाज्य शब्द बोल रहे हैं तो बोले इसमें आज, इसमें दधि का कथन ही कहाँ है यद्यपि प्रषदाज्य दधि और आज्य दोनों से बनेगा लेकिन प्रषदाज्य शब्द में किसको कहा जा रहा है आज्य को कहा जा रहा है दधि को तो कहा ही नहीं जा रहा है दधि दधि का कहाँ कथन है कैसा आज्य हो प्रषदाज्य तो आज्य की विशेषता बताई जा रही है बस और आज्य की वो विशेषता किससे पैदा होगी दधी से होगी वो ठीक है वो साधन के रूप में लेकिन वो मुख्य मुख्य कथन थोड़ा आएगा मुख्य तो आज ही रहेगा नहीं किस तरह हो रही हाँ उत्तर प्रधान हा, प्रधान होगा और वैसे भी आ, मतलब दधी शब्द तो हाँ है ही नहीं यहाँ पर आप प्रसिद्ध राज्य में भी ठीक है उत्तर पद प्रधान है और वो उसका विशेषण है लेकिन दति तो वैसे भी नहीं है यहाँ पर दति को ही नहीं रहे तो कहा पृषद आजन प्रज्यन आज में पृषद शब्द को खोलें चित्रेण इतर्थ संस्कारेण ही मिश्रणे संस्कृतम चित्रमाज्यम भवती तो संस्कार के रूप में मिश्रण होने पर ही वो संस्कृत हुआ हुआ चित्रमाज्यम भवती वो आज्य है वो चित्र हो पाता है च चित्रताम अस्य प्रत्यक्ष तो उत्पादयति और उसकी विचित्रता को दधि उत्पन्न करता है तस्मात परार्थम चित्रता संजा संजननार्थम अल्पविरा इसलिए जो दही है ये परार्थ है किसके लिए चित्रता को उत्पन्न करने के लिए न पातव्यम वो पीने के लिए नहीं है वहाँ पर अतो न उपलक्षितव्यम इसलिए उसका उपलक्षण नहीं करना चाहिए पी तो रहे हैं उसको भी पी तो रहे हैं लेकिन वो विशेषित करने के लिए उसको पी नहीं रहे हैं वो शरबतों में आजकल रंग मिला देते हैं ठीक है तो रंग किस लिए मिलाया पीने के लिए जलेबी इमरती में रंग डाल देते हैं आजकल बालूशाही में रंग डाल देते हैं लाल लाल अच्छा दिखने के लिए बोले किस लिए आई है खाते हैं ना भाई क्या क्या चीज़ खा रहे हो तो बोले रंग भी तो जा रहा है तो यूँ ही तो कहेंगे कि खा रहे हैं उसको नहीं खा रहे क्या तो बोले नहीं वो खाने के लिए नहीं है वो विशेषित करने के लिए उसको खाना प्रयोजन नहीं है उसका तो नौ उपलक्षित आगे जो सूत्र ये पहला पूर्व पक्षी बोलता है ये पहला पक्ष है इसमें कारण ने तो इसको पहला पक्ष कहा ऐसा था हमने जो पक्ष देखे थे ना उसमें पहला पक्ष था नहीं उसमें फिर एक दो तीन थे ठीक है इसमें भी जो अलग अलग भेद है ना किम अविकारेण आवाहनम कर्तव्यम उत ऊे नीति तो अविकार वाला ये एक पक्ष हुआ और ऊह करेगा और उहु में फिर अलग अलग भेद थे तो में सूत्र में कहते हैं स्यादवा द्रव्याभिधान्थ नहीं ये तो बदलना चाहिए क्योंकि यहाँ द्रव्य का कथन है स्यादवा दध्युपलक्षण दधि का उपलक्षण यहाँ पर करना चाहिए स्वयं द्रव्यम ही दधि तुल्यम आज्यन प्रधानभूतम उपदेश्यते उक्त अस्मा भी बोले ये जो दधि है ये द्रव्य है और आज्य के तुल्य ही प्रधानभूत कथन किया गया है इसका आज्ञे न तुल्यम आज्य के तुल्य है ये दधि वो हमने कहा था क्या कहा था वो पीछे वाले की बात ही कह रहा है विराम हैं अथ प्रसिद्धाज्यम गृणाती दम सर्पिश दधि च द्वंदम मिथुनम प्रजननम मिथुनम एव एत प्रजननम क्रियते इति यहाँ बंद कर लीजिए इति लीजिएज्यम गृहते तो प्रसिद्धाज्य का ग्रहण हो रहा है और सर्पिश्च व दधिच थी इसको विपरीत तल फिर हम लीजिए कह रहे हैं कि देखो इसका खोल के बताया सर्पी और दधी दोनों तो सर्पिशा दधना चाह कर्तव्य इत्यर्थ इसका मतलब यह है कि सर्पी और दधी दोनों से करना चाहिए पृषिदाज्य शब्द में भले ही केवल आज्य शब्द हो लेकिन जो खोला गया है उससे पता लगता है दोनों से यज्ञ करना चाहिए पृषिदाज्य मिति न द्रव्यांतरम उच्चते प्रषिदाज्य कोई नया द्रव्य नहीं बना करके कहा जा रहा है अगर नया द्रव्य होता तो केवल आज्य को कहता वो विशिष्ट आज्य को लेकिन यहाँ अलग अलग है तस्मात दध्युपलक्षितव्य मिलती इसलिए दधि का भी उपलक्षण करना चाहिए आवान में इस पर सिद्धांती कह रहा है दत्नस्तु गुणभूतवात् आज्यपा निगम स्यु अल्प विराम गुणत्व अल्प विराम श्रुते है आज्य प्रधानत्वात तो दधि के गुणभूत होने से आज्यपा ये निगम होना चाहिए प्रकृति में जो था गुणत्व दधि का गुणत्व है और श्रुति से आज्य की प्रधानता प्रतीत हो रही है आश्य न चैतदस्थ्य दधि आज्य पूर्वपक्षी ने कहा था ना तुल्य है उसके आज्य के मतलब प्रधान भूता प्रधान प्रधानभूत है नहीं है क्यों नहीं है बोले घृणे ही तुल्यम आज्य यागे ये जो पूर्व पूर्व पक्षी ने ऊपर कहा था, था न सर्पिश्च तो कहा अथ पृष्दाज्यम गृणी वा सर्पिश दधि च ये जो वचन दिया था ना कि अलग अलग है उसका उत्तर दे रहा है कि ये जो आज के तुल्य दधि को कहा गया वो तो ग्रहण में कहा गया है याग में थोड़ा ना कहा गया है याग के समय तो प्रसिद्धाज्य शब्द है ये जो अलग अलग है तो ग्रहण में है दो अलग अलग शब्द ग्रहण ही तत्तुल्य आजयन न यागे यागो ही आज्यन चित्र न शुरू याग का कथन किसके लिए है चित्रित याग से प्रसिद्धाज्य से कथन किया तस्मात्ते आज्य प्रधानवाद यागम प्रति गुणभूतम दधि से तो श्रुति के श्रुति के अज्य प्रधान होने से याग के प्रति दधि गुणभूत हैं न ही ग्रहणे श्रूयमाणम यागे यागे श्रुतम भवती थी ग्रहण में सुना गया है अलग से लेकिन इससे याग में भी सुना गया है ये कथन किया गया ये तो नहीं होता है दधि ग्रहणे श्रूयमाणम न यागाती थी दधि के ग्रहण में सुना जाते हुए में सुना जाते हुए भी वो याग के लिए नहीं होता है तत्र श्रुत्या आज्यम करणम दधि वाक्य नहीं थी और बलवत्ता कह रहे हैं कि आज्य जो करण है वो श्रुति से पता लगता है क्योंकि प्रशदाज्य ये शब्द सीधा वहां पर है और दधी को जब हम लेंगे तो वो तो वाक्य से खोल करके बना तब दधी आ पाएगा पूर्व पक्ष कहता है किमर्थम तरही तत्र दधि ग्रहणम तो जब याग के लिए है ही नहीं तो दधी का ग्रहण क्यों किया गया था अरे भाई दधी का ग्रहण किया गया इसी से ही पता लगता है वो याग के लिए है वो ग्रहण किए किस किस लिए किया जा रहा है तो इसलिए अगर ग्रहण में है तो वो याज्ञ के लिए भी है सिद्धांत कह रहा था ग्रहण के लिए है तो याग्ञ के लिए नहीं है वो लिया ही इसलिए जा रहा है याग्ञ के लिए तो ग्रहण करना भी के को ही सिद्ध करता है तो इन्हें पूछा कि याग्ञ के लिए नहीं है तो फिर किस लिए किमर्थम तरी तत्र ग्रहणम सिद्धांत कहता है गृहमाणे न प्रत्यक्षतश चित्रम आज्यम भवती उसको ग्रहण करते हुए के द्वारा प्रत्यक्ष ही आज्य जो है चित्र हो जाता है आज्यपा निगम निगमास्यो केवल आजपा ही निगम होगा न दक्षण कर्तव्य में दधि का उपलक्षण नहीं करना चाहिए ठीक है और अभी का पाठ इतना ही रखते प्रणाम हो ओ... ओ... ओशान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवे शान्तिरावः शान्ति रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्तिरेधि शान्तिरे शान्ति शान्ति शान्ति